बलिया के भाजपा विधायक अक्सर ही अपने बयानों अपने कृत्यों को लेकर के चर्चाओं में रहते हैं। इस बार बलिया के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने सपना चौधरी और सोनिया गांधी को लेकर के एक अमर्यादित बयान जारी किया है। सुरेंद्र सिंह ने सोनिया गांधी और सपना चौधरी की दोनों की तुलना एक बराबर करते हुए कहा है कि दोनों का पेशा एक ही है, एक इटली में थी और एक भारत में। उन्होंने राहुल गांधी को उनके पिता की तुलना में सपना चौधरी के साथ नई जो है गिरस्त पारी की शुरुआत करने की बात कही है। देखिए भाजपा विधायक ने इस बयान में क्या कुछ कहा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए। सोनिया जी को अपना बना लिया, आप भी आज भारत की राजनीति में सपना को अपना बना करके राजनीतिक नई पारी की शुरुआत करें, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन भारत की जनता कभी भी नर्तकी को देश चलाने की इजाज़त नहीं देती। इसलिए देश चलाने की इजाज़त तो मोदी जी से चरित्रवान और ईमानदार नेता के हाथों में होगा। नर्तकी के आने से भारतीय राजनीति पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे खुशी है कि अब राहुल जी नेताओं पर भरोसा हटा करके अब नर्तकी पर भरोसा करना चालू कर दिए। अच्छा, तो सबसे अच्छी बात तो ये हो गया कि अब सास और बहू दोनों ही एक ही कल्चर और एक ही पेशे से रहेंगी लोग, तो अब कांग्रेस की जो कमान है अब एक स्वरूप, एक रूप और एक नक्शे से अब संचालित होगा। जहां सपना होगी वहां सोनिया होंगी, वहीं राहुल जी होंगे, तो ये अच्छी बात है। इसमें कोई दुख की बात नहीं है, सबके लिए अच्छी बात है। मुझे तो फिर मैं राहुल जी को धन्यवाद देकर के कहना चाहूँगा कि जैसे पिताजी ने सोनिया जी को, इसी से संबंधित थी वो भी इटली में थी, आज वो भारत की किसी सपना को अपना बना रहे हैं, तो जैसे सोनिया जी को उन्होंने अपनाया वैसे सपना को भी ये अपना बना लें और राजनीति की नहीं घर की भी पारी अपना चालू करें।